हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मिशन आई नर्सिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं आपका यूट्यूब टीचर, आपका कैरियर गाइडर एमएल सैनी, नर्सिंग ऑफिसर। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एम्स नागपुर के मेमोरी बेस्ड पेपर की, विथ आंसर की विथ रेशनल। जी हाँ दोस्तों, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की ये खासियत रही है, आपने भी खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जो भी आपको पेपर सॉल्व करवाते हैं विथ रेशनल सॉल्व करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट के अच्छे से समझ में आ सकें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो, वही आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, एम्स नागपुर का जो मेमोरी बेस पेपर है। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर सिर्फ मेमोरी बेस है, ये कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन हमने पूरे सोशल मीडिया से और स्टूडेंट्स के फीडबैक से लिए हैं। हम एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए तो ये श्योर नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे आए हैं। कुछ क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो वो आप खुद अपने विवेक से, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसको आप करेक्ट करना है आपको, ठीक है। इससे पिछली जब मैंने जो उसका और किसी एग्ज़ाम्स का जो मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर डाला, तो उसके लिए कम्बाइंड एम्स का मैंने अपलोड किया था पेपर, इससे पहले जिपमर का अपलोड किया था, तो कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, वो क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये क्वेश्चन वैसे था। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता दूँ, क्योंकि पेपर है जो पूरा मेमोरी बेस बनाया जा रहा है, कोई हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आप इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं आज के लिए अपनी इस वीडियो की। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरुआत होने से पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि हम पहले की तरह जैसे हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रखते हैं, ठीक उसी तरह हमने जिपमर करिकल के लिए 4 मार्च से 6 मार्च को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रख रहे हैं, जिसमें आपको 15 से 16 ऑनलाइन सीरीज देंगे हम 50-50 क्वेश्चन की, जो बिल्कुल पूरा जिपमर के पैटर्न पर रहेगी, विथ जो मैं इस तरह से आपको रेशनल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक इस तरीके से ही सभी क्वेश्चंस के आपको रेशनल की हम सभी सीरीज की सेपरेटली PDF देंगे और कुछ स्टडी मटेरियल भी देंगे। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो हमारी ऑनलाइन सीरीज में, क्योंकि हमारी ऑनलाइन सीरीज का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इससे हमने 35 स्टूडेंट सिलेक्शन भी हो चुके हैं हमारी ऑनलाइन सीरीज से, और हमारे सब्सक्राइबर्स टोटल मिलाकर, और अच्छे क्वेश्चंस भी हमारी ऑनलाइन सीरीज से एग्जाम में आते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे नंबर लेकर हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस वीडियो के, ठीक है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस वीडियो की। वाई सप्लीमेंट्री थायमिन इज गिवन इन केस ऑफ एल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स। देखिए, पेशेंट है जो एल्कोहलिक पेशेंट होता है, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब क्रोनिक वो यूज करने लगता है, तो उसमें विटामिन जो थायमिन की बी विटामिन बी होता है, विटामिन बी बी वन होता है शायद, तो थायमिन की कमी हो जाती है। इस थायमिन कमी की वजह से क्या जो इफेक्ट होता है, ए ऑप्शन है वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम, सेकंड है पेरिफेरल न्यूराइटिस, थर्ड है ट्रेमर्स, फोर्थ है एक्सेसिव ड्रिंकिंग। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम। देखिए, थायमिन की कमी से क्या होता है, वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम। अब आपको समझना है ये क्या, एक दो वर्ड, एक तो वर्निक्स है, एक कोर्साकोफ है, दोनों वर्ड बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। वर्निक्स क्या है, आप में पूरा डिस्क्रिप्शन में जो पूरा रेशनल में आपको समझा रखा है, देखिए क्या चीज़ें हैं, वर्निक्स अलग है, कोर्साकोफ अलग है, ठीक है। दोनों को मिलाकर अपने एक वर्ड बनाते हैं, वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, यानी कि ये क्या है, इंसेफेलोपैथी वर्निक्स किसका, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, एंड कोर्साकोफ इज द साइकोसिस। कोर्साकोफ क्या है, साइकोसिस, आर द एक्यूट एंड क्रोनिक फेज रेस्पेक्टिवली ऑफ द सेम डिजीज। वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाई ए डेफिशियंसी इन द विटामिन बी थायमिन, ठीक है। तो थायमिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रहा है, वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम, ठीक है। थायमिन प्ले ए रोल इन मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ब्रेन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, वाई सप्लीमेंट्री थायमिन इज गिवन इन केस ऑफ एल्कोहल विड्रोल सिम्टम, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम। विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टरलाइजेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो जहां पर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज और ये ऑनलाइन सीरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब मान लीजिए कि हमारी क्लासेज से या फिर हमारी ऑनलाइन सीरीज से क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार रिपीट कर चुका हूँ मैं ना। अब अपन क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टरलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, बॉयलिंग, गैस स्टरलाइजेशन। तो इसमें राइट आंसर है
अब ऑटोक्लेव मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टरलाइजेशन क्यों है, इसकी डिटेल देखिए। बिकॉज ऑटोक्लेव डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गनिज्म विथ देयर स्पोर्स। देखिए ऑटोक्लेव से सिर्फ माइक्रो ऑर्गनिज्म ही डिस्ट्रॉय नहीं होते, उनके स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। एक तरह से 99% इफेक्टिव माना जाता है किसको, ऑटोक्लेव को। अब और ऑटोक्लेव के बारे में थोड़ा सा और एडिशनल बातें जान लेते हैं। ऑटोक्लेव टेम्परेचर कितना रखते हैं, 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 LBS प्रेशर रखते हैं फॉर 30 मिनट। ये बार बार पूछा जाता है ऑटोक्लेव के बारे में, तो ये लाइन दोनों लाइनें आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कीमोथेरेपी इन्वेंटेड बाई, कीमोथेरेपी किसके द्वारा इन्वेंटेड की गई थी, 1940 में आई थी कीमोथेरेपी, लुइस गुडमैन एंड अल्फर्ड गिलमैन। लुइस गुडमैन एंड अल्फर्ड गिलमैन। ईटिंग मेज अलोन मैन लेड विच डेफिशिएंसी। ईटिंग मेज क्या होती है, ग्रामीण भाषा मेज क्या होती है, मक्का। अब आप अगर ज़्यादातर ईटिंग मेज अलोन, अगर आप बार बार मक्का का सेवन करते हो, सिर्फ मक्का खाते हो, मक्के की रोटी खाते हो या मक्के की जो छाछ राबड़ी वगैरह बनती है, उसे दलिया वगैरह बनता है वो खाते हो, तो ईटिंग मेज अलोन में लेड विच डेफिशिएंसी, तो कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन एंड फेनाइलएलानिन, वेलिन एंड ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड एस्पार्टिक एसिड। देखिए इसमें जो मेज में होता है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी होती है, तो आप में ये है क्या चीज़, ये सब ऑल थिंग्स क्या है, ये एमाइनो एसिड्स से, कुछ एसेंशियल है कुछ नॉन एसेंशियल है, तो आपकी लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन इन दोनों एमाइनो एसिड की कमी हो सकती है बॉडी में। मेज प्रोटीन इज डेफिशियंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ठीक है। टोटल कैलोरी रिक्वायर्ड इन चाइल्ड, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, टोटल कैलोरी रिक्वायर्ड इन चाइल्ड 1200, 1200, 800, 600, तो चाइल्ड में कैलोरी रिक्वायर्ड होती है 1200 कैलोरी, ठीक है। और यही डीएम में डायबिटीज पेशेंट होता है उसमें भी 1200 कैलोरी की ही ज़रूरत होती है, ये भी ध्यान रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, रेशियो 1:2:1, 1:2:1, यानी कि जो 1200 कैलोरी है वो फैट सी यानी कार्बोहाइड्रेट से CF और फैट CR नहीं प्रोटीन CRPFF, इसका मतलब समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ, CPF, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट में 1200 कैलोरी की ज़रूरत होती है ना। अब 1200 कैलोरी कौन कौन से न्यूट्रिएंट से मिलनी चाहिए, ये अनुपात होता है 1:2:1, यानी कि सी से कार्बोहाइड्रेट से 1:1 में होनी चाहिए और पी से प्रोटीन, एफ से फैट, इस अनुपात में एक जो ये डिवाइड होनी चाहिए। एक तरह से जैसे कि मान लीजिए 600 कैलोरी तो हो गई, कितनी क्या हो गई, 600 कैलोरी से प्रोटीन से मिलनी चाहिए, 300 कैलोरी फैट से मिलनी चाहिए और 300 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, अनुपात आ जाएगा बिल्कुल 1:2:1। एक बार वो समझा देता हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, इससे मान लीजिए 300:600:300, पूरा अगर अनुपात निकालेंगे 1:2:1, तो ये अनुपात होता है डायबिटिक पेशेंट में डाइट का, कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए 1200 कैलोरी, ठीक है, समझ में आता है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन पर आते हैं वापस अपने, तो चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में कितनी कैलोरी नीड होती है, 1200 कैलोरी पर डे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एज की अपन बात करते हैं, देखिए इन इन्फेंट एंड डीएम पेशेंट नीड सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी एज 1200 कैलोरी पर डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाली है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एज डिपेंडेंट, द यंगर द चाइल्ड द हायर देयर एनर्जी नीड्स पर किलोग्राम बॉडी वेट, जनरली द एवरेज टर्म बेबी नीड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। देखिए अब इसमें जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ यानी कि इन्फेंट बेबी की अपन बात करें, फ्लूड की जरूरत होती है, कितनी नीड होती है फ्लूड की, 100 to 150 ml पर केजी, इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विंडो, ये जो ये पिक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। फ्लूड की बात करें अपन वन ईयर चाइल्ड में या इन्फेंट में, तो 100 to 150 ml/kg होना चाहिए। कैलोरी की बात करें तो 100 to 120 calorie/kg। अब देखिए इस कैलोरी के हिसाब से अपन 1200 निकालते हैं, मानकर चलिए एक साल का चाइल्ड है यानी कि उसमें वेट कितना होगा, एट बर्थ अपन 3 किलो वजन मानते हैं, तो ट्रिपल हो जाता है एक वन ईयर पर, तो ट्रिपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 kg, ठीक है, 9 kg वेट हो गया एक साल पर। अब यहाँ पर कैलोरी कितनी बता रहा है, 100 to 120 calorie/kg, ठीक है, 9 को गुणा कर दो भाई 120 से, कितना आ जाएगा, 0 1080, तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली अपना कितना आ रहा है वो,
जो 1200 के आसपास आ रहा है, वैसे एवरेज 1200 माना जाता है, बट ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन की अपन बात करें, 1.22 ग्राम पर केजी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अडल्ट की बात करें तो 0.40 तक जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और सोडियम की पोटेशियम की अगर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, बट ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ब्लूड प्रोटीन कैलोरी, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ मनी मेंबर्स वाज देयर इन साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे उसमें, जो 1928 था या 1932 में आए, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1932 में आया था शायद, आई एम नॉट श्योर, बट शायद 1932। ACTH फुल फॉर्म है ये, ACTH फुल फॉर्म क्या है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? पार्किंसन डिजीज में इसी हार्मोन की कमी होती है। हालांकि पार्किंसन में अलग भी होता है, सिर्फ इसी की कमी नहीं होती, डोपामाइन की डिफिशियंसी हो जाती है, जो सबस्टेंगना निग्रा जो ब्रेन में अपनी जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर डोपामाइन डिफिशियंसी हो जाती है, बट इस हार्मोन भी कहीं ना कहीं उसमें अफेक्ट होता है, आप देखना एक बार पार्किंसन डिजीज का। टोटल 40 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी गिवन बाई टी टी इंजेक्शन, देखिए ये इस क्वेश्चन में बार बार स्टूडेंट है जो कन्फ्यूज रहता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको गड़बड़ भी किया होगा। देखिए ये तो नेचुरल एक्वायर्ड लिखा है मैंने, बाकी यहाँ पर एक्वायर्ड बाई मिस्टेक गलती हो गई, यहाँ होगा एक्टिव आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन इम्यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं, मान लीजिए ये मैंने इम्यूनिटी लिख दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, एक हो गई इनेट, एक हो गई एक्वायर्ड, ठीक है। अब इनेट तो अपन को जन्मजात जो मिल गई वो होगी, जिसको आगे बिल्कुल डिटेल्स में नहीं पढ़ा जाता, और इसके आगे अपन इसमें को कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब अपन ये समझेंगे जन्मजात जो अपन को एट बर्थ जो इम्यूनिटी मिल रही है मदर के थ्रू वो हो गई इनेट। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्वायर्ड को अपन डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक्टिव और पेसिव, फिर एक्टिव में अपन नेचुरल और आर्टिफिशियल, पेसिव में फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल करते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या करा, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी गेन बाय टीटी इंजेक्शन, तो आपके मेरे ख्याल से आपके आंसर में क्या आया था, सिर्फ आपके ऑप्शन में आया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो राइट आंसर एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही होगा, आप एक्वायर्ड को अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे तब जाके आएगा एक्टिव और पेसिव, फिर आएगा आर्टिफिशियल और नेचुरल, वो चीज़ें आगे आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर पहले ऊपर की स्टेज में ही जैसे कि टीटी को अपन डिस्क्राइब करते हैं, तो एक तरह से ये टीटी हुआ, इम्यूनाइजेशन हुआ, या बर्थ जो प्लेसेंटा के थ्रू जो इम्यूनिटी मिल रही है वो हुई, या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिल रही है वो हुई, या इम्यूनोग्लोबिन के थ्रू मिल रही है, सब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद में अपन उसको डिटेल में उसको टाइप्स करके पढ़ते हैं, तब अगर एक्यूरेट टाइप्स आता है तो उसको क्लिक करना चाहिए, चाहिए राइट आंसर वो होगा, अदरवाइज फिर अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही इसका राइट आंसर होगा। अब मैंने यहाँ पर देख के पिक्चर डाली है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखिए ऊपर ऊपर लिखा हुआ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इंजेक्शन टीटी कहाँ पर आएगा? देखिए एक्टिव, एक्टिव में आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये आ गया वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से क्या होता है, जो आर्टिफिशियल एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। तो एक्टिव आर्टिफिशियल भी राइट आंसर है इसका, एक्टिव आर्टिफिशियल भी राइट आंसर है। अब एक्टिव आर्टिफिशियल जब ऊपर जाते हैं तो एक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो एक्वायर्ड भी राइट आंसर है, और आंसर एक्टिव आर्टिफिशियल से पहले अगर आपका एक्वायर्ड कर रहे हो तो एक्वायर्ड राइट आंसर भी माना जाएगा, और एक्टिव आर्टिफिशियल अगर आपके ऑप्शन में है तो एक्टिव आर्टिफिशियल राइट आंसर होगा, और अगर एक्टिव आर्टिफिशियल आपके ऑप्शन में आंसर नहीं है तो उसका ऑप्शन, उसका राइट आंसर एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा, ठीक है। अब इसको अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखिए दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक्टिव और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव वो इम्यूनिटी है जो खुद बॉडी में डेवलप होती है, या फिर जो बॉडी में डेवलप होती है एक्टिवली, वो हो गई। पैसिव इम्यूनिटी वो होगी जो आउटसाइड, जो दूर बाहर से एंटीबॉडी दी जा रही है, ठीक है। अब बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी जनरेट हो रही है या डेवलप हो रही है? एक तो नेचुरल, नेचुरल जो कोई भी केस जैसे मान लीजिए चिकन पॉक्स की वजह से जो इम्यूनिटी इंटरनल बॉडी में ही जनरेट हो रही है या डेवलप हो रही है, तो वो होगी नेचुरली। आर्टिफिशियली होगी जो अपने वैक्सीनेशन के थ्रू जो एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है। वैक्सीन क्या होता है? एंटीजन होता है। वैक्सीन क्या होता है? एंटीजन होता है, वो बॉडी में जाकर एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी कहाँ बन रही है? बॉडी के अंदर, इसलिए क्या कौन सी कैटेगरी में आ रही है? ये एक्टिव इम्यूनिटी में। अब पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक तरह से मदर में जो एंटीबॉडी बन रही है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है किसमें? प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में।
एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है किसके प्लेसेंटा के थ्रू, बेबी में। एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी बनाई हुई वो बेबी में ट्रांसफर हो रही है, इसलिए किस कैटेगरी में आ गई है, पेशियों में। अगर एंटीजन ट्रांसफर होता और एंटीबॉडी जाकर बेबी में बनती तो वो किस में आ जाती, एक्टिव में, बट वो पेशियोली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसलिए पेशियों में आती है। कौन सी, प्लेसेंटा के थ्रू या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो इम्यूनिटी होती है वो इस किस में आती है, पेशियों में, ठीक है। इसके बाद में आर्टिफिशियल में कौन सी आ जाती है, जो बाहर बॉडी से बाहर बनाई जाती है, गामा ग्लोबुलिन हुआ, जैसे कि मान लीजिए ARV, एंटी ASV मान लीजिए, एंटी स्नेक विनम का इंजेक्शन हुआ, या फिर अपन रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं, ARV एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं। बट जब घाव बहुत बड़ा होता है, कुत्ते के या कुत्ते या मंकी काटा हुआ घाव बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं अपन, रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, IM लगाते हैं, ठीक है। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, वो है आर्टिफिशियल पेशी इम्यूनिटी है वो इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। सिर्फ ARV की बात नहीं है, चाहे आप जो हिपेटाइटिस वाला केसेज होता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, तो वो भी एक तरह से आर्टिफिशियल पेशी इम्यूनिटी में आता है। या फिर उसके अलावा जब और जैसे कि स्नेक वाला केस होता है, इसमें भी इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, वो भी आर्टिफिशियल वाले उसी में आता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्डिनल साइन ऑफ, इधर आ गया क्वेश्चन अपना, यहाँ पर आ गया, कार्डिनल साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस एक्सेप्ट, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ओलिव शेप्ड मास, डायरिया। देखिए इसका डायरिया नहीं होता, बाकी और सब ऑप्शन, यानी कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की बात करें, सबसे कार्डिनल साइन होता है इसका प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, ओलिव शेप्ड मास भी होता है, ठीक है। इन कंडीशन इन विच द ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन थिकनेस हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया हो जाता है, कहाँ पर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो ओपनिंग होती है वहाँ पर है। इट इज़ अकर मोस्ट ऑफन इन बेबीज अंडर 6 मंथ, 6 मंथ जो अंडर 6 मंथ बेबीज होते हैं उनमें ज़्यादातर ये पाइलोरिक स्टोनिसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। उसका कारण ये होता है कि जो स्टोमक स्फिंक्टर्स होते हैं वो उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या उनका थिकनेस, स्कारिंग एंड हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया हो जाता है। उसी कंडीशन को अपन पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, ओलिव शेप मास वहाँ पर फिल होता है, कौन से, स्टोमक और ड्यूडेनम वाले जंक्शन पर, ठीक है। लोकिया रिलेटेड क्वेश्चन, लोकिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अब क्या क्वेश्चन आया था मेरे को पता नहीं, बट फिर मैंने आपको यहाँ पूरी लोकिया की डिटेल डाल दी है, आप आसानी समझ जाओगे लोकिया का क्या है। देखिए मैटर, देखिए लोकिया 3 तरीके का होता है, जो लोकिया होता क्या है, आफ्टर बर्थ डिस्चार्ज, लोकिया इज ए वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ, ठीक है। बर्थ के बाद में, बर्थ डिलीवरी होने के बाद जो डिस्चार्ज आता है 14 डेज तक, कब तक आता है, 14 डेज तक, 14-15 भी मानते हैं, बाकी एक्यूरेट की बात करें तो 14 डेज तक, 0 to 14 डेज आफ्टर बर्थ। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, सबसे पहला होता है लोकिया रूब्रा, देन सेकंड होता है रूब्रा लोकिया सिरोसा, देन लास्ट होता है लोकिया अल्बा। यानी कि ट्रिक की अपन बात करें यहाँ पर, तो ट्रिक होगी हो जाएगी आपकी RSA, RSA से आप याद रखोगे, R से रूब्रा, S से सिरोसा, A से अल्बा, ठीक है। अब लोकिया रूब्रा की अपन बात करें तो इसकी कलर कैसा होगा, इसका रेड कलर होगा। इसके कंपोजिशन की बात करें तो मेनली RBC होगी, ल्यूकोसाइट होगी, डेसिडुआ होगी, डेसिडुआ क्या होगी, डेसिडुआ किसको बोलते हैं, इंडोमेट्रियम को, यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, तो वो भी सेड आउट होगी, तो उसका भी कुछ कंटेंट होगा, म्यूकस होगी, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होगा इसका, 1 to 4 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के पूरा डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। इसके बाद में सेकंड स्टेज आएगी लोकिया सिरोसा, लोकिया सिरोसा तौर तो धीरे धीरे से दिन निकलते जाएंगे, वैसे इससे जो लोकिया का कलर वो चेंज होता जाएगा। तो लोकिया सिरोसा में की फेज में अपन बात करें कलर की, तो येलो टू पेल और ब्राउन कलर का हो सकता है। अब इसमें जो मेनली उसकी बात करें, म्यूकस होगा एंड सीरम हो सकता है, सीरम होगा जब ब्लीडिंग हो रही है, तो कब तक ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग एक दिन जाकर रुकेगी तो सही ना, जैसे जैसे ब्लीडिंग स्टॉप होगी उसके बाद में क्या सीरम वो निकलता जाएगा। तो सेकंड स्टेज लोकिया सिरोसा में क्या होगा, सीरम होगा, फ्यू RBCs हो सकती है विथ ल्यूकोसाइट। इसकी जो ड्यूरेशन की बात करें तो 5 to 9 डेज इसका जो सिक्रेशन होता है। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है लोकिया की, लोकिया अल्बा, लोकिया अल्बा की जो लास्ट 3rd स्टेज है इसमें कौन सा कैसा कलर आएगा, इसमें कलर कैसा आएगा, पेल वाइट कलर का है, जो सिक्रेशन होंगे बहुत ही कम मात्रा में सिक्रेशन होंगे। साथ में जो इसका कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में म्यूकस होगा कुछ एक, कुछ इसमें सीरस भी होगा, एग्जुडेट यानी कि क्या होगा, कुछ सेड आउट होगा, जो इंडोमेट्रियम की लेयर्स का कुछ एग्जुडेट जो बनते हैं वो होगा, एपिथेलियल सेल्स होगी, एपिथेलियल सेल्स भी है जो वेजाइना के थ्रू जो वो सेड आउट होगी, प्लस ल्यूकोसाइट्स होगी। साथ ही इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 10 से 15 डेज तक इसका सिक्रेशन होता है। तो ये हो गई लोकिया के बारे में, नॉर्मल लोकिया की बात होगी। अब अबनॉर्मलिटी विथ लोकिया की बात करें तो देखिए, परसिस्टेंट लोकिया अब रूब्रा,
परसिस्टेंट यानी कि लगातार लोग या रुबरा फर्स्ट वाली फेज, परसिस्टेंट नहीं फर्स्ट वाली फेज अगर कंसिस्टेंट कंटिन्यू 4 दिन से भी ज़्यादा हो रही है लोकिया रुबरा वाली, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? परसिस्टेंट लोकिया रुबरा कोज सेकेंडरी पोस्ट प्रांडल हेमरेज ड्यू टू रिटेंट प्लेसेंटल सेगमेंट टिश्यू एंड मेम्ब्रेन। अगर लोकिया रुबरा की फर्स्ट स्टेज 4 दिन से अबव 4 डेज से भी ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पोस्ट प्रांडल हेमरेज पीपीएच कौन सा सेकेंडरी, सेकेंडरी पीपीएच कब बोला जाता है? जब आफ्टर 24 आवर्स जब हेमरेज होता है उस वो कौन सा होता है सेकेंडरी पीपीएच, और बिलो 24 आवर्स जो एमरेज होता है वो कौन सा होता है प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, तो अब ये तो आफ्टर 4 डेज हो रहा है ना, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा सेकेंडरी पीपीएच ही होगा। अब इसका कारण क्या होगा? रिटेंड प्लेसेंटल सेगमेंट या रिटेंड प्लेसेंटल टिश्यू इनसाइड द यूटरन केविटी, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ परसिस्टेंट लोकिया रुबरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑफेंसिव लोकिया की बात करते हैं, जिसमें गंध आ रही हो तो प्रिपेरियल सेप्सिस को इंडिकेट करता है वो। ड्यू टू ई कोलाई इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्रिपेरियल सेप्सिस कौन सा हो जाएगा? ई कोलाई, ज़्यादातर वहीं पर ई कोलाई ही इफेक्ट करता है, यूटीआई हुआ वो या फिर प्रिपेरियल सेप्सिस की बात करें। स्कांटी सीरस लोकिया, स्कांटी सीरियस लोकिया का मतलब क्या हो गया कि आपके जो सीरस ज़्यादा बन रहा है, कौन से में बन रहा है सीरस, देखिए यहाँ पर सीरस बन रहा है लोकिया सिरोसा में, स्कांटी सीरियस लोकिया में किसकी वजह से? सीवियर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, सप्रेशन ऑफ लोकिया। अब जिस सप्रेशन ऑफ लोकिया की बात, ये तो अपन ने नॉर्मल कंडीशन में पढ़ लिया कि इतना 1 से 5, 15, 14 डेज तक नॉर्मली डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा हो आफ्टर डिलीवरी, तो दिस इज द कॉल्ड सप्रेशन ऑफ लोकिया। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन एट इंटरनल ओएस बाई क्लॉट्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? एप्स्टेन बार वायरस, एप्स्टेन बार वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में कई बार। अब इसके बाद इट इज आल्सो नाउन एज ग्लैंडुलर फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इट इज आल्सो नाउन एज किसिंग डिजीज, कौन सी डिजीज? किसिंग डिजीज, इसको तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे एप्स्टेन बार वायरस यानी कि मोनो न्यूक्लियोसिस को किसिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है, जिंदगी मत भूलना इसको। ठीक है, अब नहीं भूलोगे वो कारण मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप मत भूलना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, वेयर इज लोकेटेड यूनेस्को हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी, इसमें गोबी एंड प्लस 3F स्कीम रनिंग अंडर यूनेस्को। ठीक है, इसके शायद ये मेरे को श्योर नहीं है ये स्कीम इसके अंडर चल रही है, किसके अंडर चल रही है इसका थोड़ा कन्फर्म करना आप भी, मेरे ख्याल से यूनेस्को में नहीं है ये, किसी और में है। हाँ, ये जो स्कीम है गोबी 3 वाली, ये स्कीम चल रही यूनिसेफ में, ये स्कीम चल रही किस में? यूनिसेफ में। यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के अंडर में कौन सी स्कीम चल रही है? यूनिसेफ, जो गोबी एंड 3F स्कीम रनिंग अंडर यूनिसेफ, नॉट यूनेस्को, इसको मैं करेक्शन कर लूँगा पीडीएफ में तो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिल्यूजन प्रेजेंट इन डिप्रेशन एक्सेप्ट, डिप्रेशन में कौन सा डिल्यूजन नहीं पाया जाता एक को छोड़कर? डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म होता है, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी होता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये वाला डेल्यूजन इसमें नहीं पाया जाता, ये वाला डेल्यूजन पाया जाता है किसमें? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट इन मेनिया नॉट इन डिप्रेशन। ठीक है, विसरल लेयर, विसरल ऑर्गन्स पेराइट, देख विसरल लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, फिर भी मैंने विसरल लेयर से रिलेटेड कुछ एक आपको लिए कुछ पॉइंट्स रखे हैं। विसरल ऑर्गन्स पेराइटल लेयर, ठीक है, आर द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द ग्रेट बॉडी कैविटीज लाइक इज हार्ट, पेरिकार्डियम एंड लंग्स हैं। तो पेरिकार्डियम ये कौन सी है? विसरल लेयर है। ठीक है, जो पेराइटल लेयर होती है उसको अपन विसरल लेयर बोलते हैं, जो क्या करती है इसके बीच में क्या होता है फ्लूड भरा हुआ होता है, वो फ्लूड क्या होता है फ्रिक्शन से प्रिवेंशन करता है इंटरनल ऑर्गन का लाइक इज हार्ट एंड लंग्स। अब जैसे हार्ट की बात करें तो हार्ट में नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूड इज 50 ml, पेरिकार्डियल फ्लूड भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियम के बीच में होती है विसरल लेयर होती है, उसके बीच में जो फ्लूड भरा होता है नॉर्मली कितना होता है 50 ml होता है। जब इसकी अमाउंट बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, जब 50 ml से अबव 50 ml हो जाता है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट,
कार्टिक टेम्पो नेड, कार्टिक टेम्पो नेड कौन सी कंडीशन को बोलते हैं जब फ्लूड, ये पेरिकार्डिक फ्लूड अबव 50 ml बढ़ जाता हो। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए कार्डिक टेम्पोनेट हो जाता है तो एक तरह से कंप्रेशन होगा हार्ट के ऊपर, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर किस लिए पड़ेगा, चारों तरफ हार्ट के चारों तरफ तो पानी भर गया, क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज होगा, हार्ट का हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा मेन क्लिनिकल फीचर, क्या होगा कार्डिक टेम्पोनेट का मेन क्लिनिकल फीचर होगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होगा, जैसे ही हार्ट के चारों तरफ पानी भरेगा, मान लीजिए कार्डिक टेम्पोनेट हो गया, पानी भर गया चारों तरफ, तो हार्ट कंप्रेशन बहुत ही स्लो कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हाइपो हाइपोटेंशन, दिस इज द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक टेम्पोनेंट। ठीक है, नॉर्मल प्लूरल फ्लूड की बात करें, नॉर्मल प्लूरल फ्लूड कितना होता है 20 ml। प्लूरल फ्लूड कहाँ होता है, प्लूरल कैविटी में, इनसाइड द प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग्स। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, अब देखिए वो तो कार्डिक टेम्पोनेट की बात होगी, अब प्लूरल कैविटी में जब फ्लूड भर जाता हो या उसमें क्या हो जो इन्फेक्शन सा ऐसा कुछ हो, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं प्लूरिसी, प्लूरिसी क्या बोलते हैं PLEURISY, प्लूरिसी क्या बोलते हैं प्लूरिसी। इस कंडीशन में नाइफ लाइक पेन, इसका कार्डिनल साइन क्या होता है प्लूरिसी का, KNIF, नाइफ लाइक पेन, लाइफ लाइक पेन इज द कार्डिनल साइन ऑफ द प्लूरिसी। ठीक है, इसको फिर क्या करना है टेपिंग करके रिमूव किया जाता है एक्सेसिव फ्लूड को, पेरासिंटेसिस जो क्या बोलते हैं कार्डियक पेरासिंटेसिस बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड को निकालने के लिए, तो और लंग्स से जो निकालते हैं इसको प्लूरल कैविटी से जो फ्लूड को निकालते हैं उसको टेपिंग करके निकाला जाता है। वाई एट्रोपिन गिवन टू द पेशेंट बिफोर ECT, वाई एट्रोपिन गिवन टू द पेशेंट बिफोर ECT। देखिए एट्रोपिन पहले क्यों दिया जाता है ECT से पहले, मैंने पूरी डिटेल आपके सामने रखी है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन बाय डिक्रीजिंग सिक्रेशन। एट्रोपिन इज एंटी मस्केरिनिक और एंटी कोलिनर्जिक। एट्रोपिन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एस्टाइल कोलिन, यानी कि क्या करती है एस्टाइल कोलिन के फंक्शन को ब्लॉक करती है एट्रोपिन। एट्रोपिन प्रोड्यूस मनी इफेक्ट्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग स्टोमक और इंटेस्टाइनल स्पाज्म, रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, म्यूकस एंड अदर बॉडीली सिक्रेशन, यानी कि बॉडी सिक्रेशन को डिक्रीज करती है। मोस्टली क्या होता है मुस्केरिन, एंटी मुस्केरिनिक यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के जो म्यूकस ग्लैंड के जो को ब्लॉक करती है एक तरह से। ठीक है, एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हार्ट रिदम और इंक्रीज्ड हार्ट रेट बाय द ब्लॉकिंग ऑफ वेगस नर्व, दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट मेन वाइटल रोल ऑफ द एट्रोपिन। क्या हो गया इंक्रीज्ड हार्ट रेट, जब कोई ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन होती है तो ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो क्या होगी एट्रोपिन। ये क्या करती है वेगस नर्व को ब्लॉक करती है, वेगस नर्व को, वेगस नर्व में कौन सा नर्व फाइबर होता है पैरासिंपेथेटिक नर्व फाइबर होता है, पैरासिंपेथेटिक नर्व फाइबर को जैसे ही ब्लॉक करेगी कौन एट्रोपिन, कौन से वेगस नर्व के पैरासिंपेथेटिक नर्व फाइबर को जैसे ही एट्रोपिन ब्लॉक करेगी क्या होगा सिंपेथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगा, सिंपेथेटिक नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगी हार्ट रेट अब्रप्टली सडनली इंक्रीज होगी। तो एक तरह से इसका जो अपन एट्रोपिन की बात करें तो एट्रोपिन की वजह से क्या होता है टेकीकार्डिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए इसको क्लोजली मॉनिटर करके भी देना चाहिए, या फिर जैसे कि आपके मान लीजिए पेशेंट एडमिट है उसके ऑलरेडी टेकीकार्डिया हो रखा है और सिक्रेशन भी आ रहे हैं मान लीजिए मुँह से, तो क्या आप वहाँ पर एट्रोपिन दोगे उसको, या क्या डॉक्टर अगर एट्रोपिन ऑर्डर करेगा तो क्या आप क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया टेकीकार्डिया के साथ में एट्रोपिन नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट को टेकीकार्डिया है और सिक्रेशंस आ रहे हैं तो आप उसको सक्शन करिए, फ्रिक्वेंटली सक्शन करिए, अदरवाइज एट्रोपिन मत दीजिए। अगर आप एट्रोपिन दोगे उसके ऑलरेडी टेकीकार्डिया है और फिर उसको एट्रोपिन दोगे तो वो फ्लटरिंग फिब्रिलेशन वाली कंडीशन में चला जाएगा, कार्डिक फिब्रिलेशन, देन मे बी पेशेंट गोइंग इनटू डेथ। ठीक है, एट्रोपिन का एंटीडोट की अपन बात करें तो कौन सा फिजियोस्टिगमाइन और पिलोकार्पाइन इसका एंटीडोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मॉडिफाइड ECT। देखिए ECT का कैसे क्वेश्चन आया मेरे को नहीं पता, मेरे पास जैसा क्वेश्चन आया मैंने वैसे रखा, फिर भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मॉडिफाइड ECT कौन सा होता है, इसका रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस। देखो मेमोरी लॉस दो तरह से होता है, एक होता है रेट्रोग्रेड, एक होता है रिमोट। ठीक है, रेट्रोग्रेड तो वो है जो आपको एक तरह से, ये तो ओल्ड ओल्ड मेमोरी होगी, रिमोट मेमोरी कौन सी होगी ओल्ड मेमोरी, और ये कौन सी हो रेट्रोग्रेड कौन सी हो गई एक तरह से जो प्रेजेंट मेमोरी है वो वाली, तो इसमें क्या होगा रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस होता है, ECT में एक फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय विच सेल ऑफ स्टोमक।
ठीक है, इंस्टिंक्ट सेल फैक्टर सिक्रेटेड बाई विच सेल ऑफ स्टोमक। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है ये क्वेश्चन भी, तो ये क्वेश्चन मैंने सोल्व भी करवा दिया था वैसे। ऑक्सिंक्टिंग सेल और पेराइटल सेल, देखिए पेराइटल सेल्स यहीं से सिक्रेट होता है इंस्टिंक्ट फैक्टर, बाकी चीप सेल से पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है, एसिनर सेल से, एसिनर सेल उसमें होती है क्या बोलते हैं पेनक्रियाज में होती है जहाँ से शायद पेप्सिन सिक्रेट होता है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट शायद एसिनर सेल पेनक्रियाज में होती है और पेप्सिन का सिक्रेट होता है, बाकी पंडिक सेल स्टोमक में होती है जो म्यूकस का सिक्रेट करती है। इसके बाद में अपन देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स आल्सो नाउन एज ऑक्सिंटिक सेल डेलोमोर्फ सेल ऑफ द स्टोमक। ये नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट भूल जाते हैं एग्जाम में आजकल, देखिए पेराइटल सेल नहीं आएगा, अगली बार कभी एग्जाम आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय विच सेल्स, पेराइटल नहीं दिखाई देगा आपको, सिर्फ दिखाई देगा ऑक्सिंटिक सेल या डेलोमोर्फ सेल, तो पेराइटल सेल के जो अदर नेम है वो भी याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RL रिंगर लेक्टेड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच डिसऑर्डर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, आई डिसऑर्डर, राइट आंसर बी। अब बी क्यों है देखिए आगे आंसर रेशनल देखिए, राइट आंसर है किडनी फेलियर या रिनल फेलियर कुछ भी बोल सकते हैं। अब राइट आंसर किडनी फेलियर, किडनी फेलियर वन ऑफ मोस्ट क्लिनिकल फीचर इज मेटाबॉल, देख किडनी फेलियर्स वन ऑफ द मोस्ट क्लिनिकल फीचर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी किडनी फेलियर में क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, बहुत सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिनल फेलियर में तो, बट वन ऑफ द मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है। एंड RL फ्लूड आल्सो फैसिलिटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि ऑलरेडी रिनल फेलियर में एसिडोसिस हो रखा है, RL दोगे और उसमें एसिडोसिस होगा, तो दिस इसलिए RL इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रिनल फेलियर केसेज। एंड RL हैव पोटेशियम कंटेंट, वन मोर थिंग यू हैव टू नोटेड वाई RL कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच इन रिनल डिसऑर्डर, RL हैव पोटेशियम कंटेंट एंड इन रिनल फेलियर पेशेंट्स ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हाइपरकैलेमिया, पेशेंट ऑलरेडी सफर कर रहा है हाइपरकैलेमिया से, आप RL और दोगे, RL में वैसे ही पोटेशियम कंटेंट है तो और ज़्यादा उसमें हाइपरकैलेमिया होने के चांसेज होते हैं, इसलिए रिनल फेलियर में RL कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। हाउ मच ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन एडमिनिस्टर टू COPD पेशेंट्स, COPD पेशेंट में कितनी जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी चाहिए, 2 लीटर पर मिनट थ्रू वेंचुरी मास्क और नेजल कैनुला फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्डन इफेक्ट। अब हार्डन इफेक्ट क्या है देखिए, इसमें मैं ये आपको 2-3 बार पहले भी समझा चुका हूँ, पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ COPD पेशेंट में लो ऑक्सीजन क्यों देते हैं, आज मैं और आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ कि COPD पेशेंट में लो ऑक्सीजन क्यों देते हैं। देखिए COPD पेशेंट है, देख एक तो COPD पेशेंट की अपन बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की अपन बात करें, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की बात करें तो क्या होगा, लो CO2 लेवल होगा इसका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, हाई CO2 नहीं होगा, लो CO2 लेवल होता है इसका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो अब जैसे कि पेशेंट को COPD वाले पेशेंट को अपन इसको ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन देंगे अबव 2 लीटर पर मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक हीमोग्लोबिन का अणु है, इसके चारों तरफ ये ऑक्सीजन लगी हुई है, ये कौन सी कंडीशन में है, 2 लीटर वाली कंडीशन में है, ये इतने ऑक्सीजन के अणु चिपके हुए हैं ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, कार्बोहाइड्रेट भी ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है ना वापस ठीक है। अब आप COPD वाले पेशेंट में अबोव 2 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे, जैसे कि मान लीजिए 4-6 लीटर पर मिनट ऐसे ऑक्सीजन दोगे तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन का जो अणु है उसके चारों तरफ सिर्फ ऑक्सीजन के अणु ही चिपक जाएंगे, चारों तरफ ऑक्सीजन चिपक जाएगी ठीक है, और चारों तरफ ऑक्सीजन चिपक गई तो क्या होगा, CO2 के अणु को इसके कहीं पर भी बाउंड होने की जगह नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा CO2 का लेवल बढ़ेगा ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अणु के चारों तरफ इसको बाइंड होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए जगह नहीं मिल रही, कारण क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो ऑक्सीजन दे रहे हो 4, 6, 8, 10 लीटर पर मिनट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मोलेकुलस है मोर सेचुरेटेड हो चुका है, किससे ऑक्सीजन से, जिसको CO2 को तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, तो क्या होगा ब्लड में क्या होगा CO2 का लेवल बढ़ेगा ठीक है। अब CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा इस COPD वाले पेशेंट में,
आपको भी पता है, इसलिए है जो इसमें लो लेवल पर ऑक्सीजन दिया जाता है, क्योंकि लो CO2 जब लेवल होता है तो वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है किसमें, COPD पेशेंट में। ठीक है, आपको समझ, यही इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, दिस इज द हार्डन इफेक्ट, दिस इज द हार्डन इफेक्ट। एक बार वो नेट पर सर्च करके या कहीं पर भी आप देखना हार्डन इफेक्ट क्या होता है। इन्हीं बिन हार्मोन सिक्रेटेड बाई विच सेल्स, इन्हीं बिन हार्मोन होता है वो कौन सी सेल्स सिक्रेट करती है, देखिए इसके बारे में काफ़ी सेल ज़्यादा डिटेल्स डाली है। इन्हीं बिन हार्मोन सिक्रेटेड बाई इन मेल, मेल में कहाँ सिक्रेट होता है, सार्टोली सेल्स ऑफ द गोनेट्स और इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में होती है कौन सी, सार्टोली सेल्स। फीमेल की बात करें तो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स होती है कहाँ पर होती है, ओवरीज में होती है। इन्हीं बिन हार्मोन इसका फंक्शन क्या होता है, हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH हार्मोन जो फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो ये क्या कर रहा है, इन्हीं बिन हार्मोन इसको इनहिबिट करता है, FSH को इनहिबिट करेगा। कारण क्या होगा, FSH को इनहिबिट करके जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म का मेचुरेशन हो रहा है, ओवम का मेचुरेशन हो रहा है, उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा कि भाई तू ओवम तू बन पहले, स्पर्म तू पहले बन। कौन बना रहा है, कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, इनहिबिन हार्मोन। किसको सप्रेस करके, FSH हार्मोन को सप्रेस करके स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन, इनहिबिन। एक तरह से इनहिबिन हार्मोन इसको न्यूट्रिएंट देता है कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था तो मैंने इसकी काफ़ी डिटेल ही डाल दी आपके सामने, देख सकते हो आप इसकी सीजर कॉम्प्लिकेशन होता है बिल्कुल। वाटर हाउस फ्रीडरमैन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वाटर हाउस फ्रीडरमैन सिंड्रोम होता है किससे, मेनिंजाइटिस से। अब ये होता क्या है ये देख लीजिए, बाकी इज डिफाइंड एज एड्रिनल ग्लैंड फेलियर। क्या है, वाटर हाउस फ्रीडरमैन सिंड्रोम क्या है, इट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड फेलियर ड्यू टू ब्लीडिंग इन टू एड्रिनल ग्लैंड, इट इज़ मोस्टली कॉज्ड बाई नेसेरियाई मेनिंजाइटिस, फर्दर दिस कॉम्प्लिकेशन लीड टू पेरीफ्रल सेरुकुलेटरी कोलेप्स। तो एक तरह से मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन की बात करें अपन मेनिंजाइटिस की तो कौन सा हो जाएगा, वाटर हाउस फ्रीडरमैन सिंड्रोम। और उसके साथ में ही और क्या भी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, और ये सब हो सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फास्ट बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया, AFB, AFB बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख पहली बात एसिड फास्ट क्या होता है, देखिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो बैक्टीरिया एक तरह से एसिड फास्ट बेसिलाई होता क्या है, दिस इज द कल्चर मीडिया। एसिड फास्ट बेसिलाई क्या है, कल्चर मीडिया, जहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया जो इस कल्चर में, इस कल्चर मीडिया में जो ग्रोथ करते हो और जिनकी स्टेनिंग कर सकते हैं अपन, जिनको डिफरेंट कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज एसिड फास्ट बेसिलाई कहलाते हैं। ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो एसिड फास्ट बेसिलाई में ग्रोथ करते हैं वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो ये कौन सा AFB बैक्टीरिया कौन सा, यहाँ पर राइट आंसर है TB एंड लेप्रोसी वाला है जो बैक्टीरिया है, AFB बैक्टीरिया। अब देखिए मैंने कौन कौन से बैक्टीरिया है जो AFB है वो अपन डिटेल से अपन देखेंगे। एसिड फास्ट बैक्टीरिया इट इज़ द कल्चर मीडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लेना, LMNOPQRST लाइफ नहीं भूलोगे कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन कौन से, कभी भी आधी रात को भी उठाकर आपको पूछ लिया जाएगा कि उठ बच्चे एसिड फास्ट बैक्टीरिया बता कौन कौन से हैं, तो आपको शायद ये ट्रिक याद होगी। तो आप रात को 2 बजे क्या, रात को 3-4 बजे जब भी मम्मी या पापा कोई उठकर पूछ उठाकर पूछ लेंगे ना, या आपका कोई भी दोस्त या आपका कोई टीचर उठाकर पूछ लेगा ना, तो आप बता दोगे कि LMNOPQRST जो ट्रिक सर ने बताई थी वो मेरे को अच्छे से याद है, और ये एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं कौन कौन से, लेजियोनेला, माइकोबैक्टीरियम, कौन कौन से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्री, नोकार्डिया, ओसे ओस्पोरजेड, ये भी एक तरह से बैक्टीरिया टाइप है, पीछे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कौन कौन से, साइक्लोस्पोरा और आइसोस्पोरा, ओसे नथिंग, क्यों से नथिंग कर दीजिए यहाँ पर, यह कुछ नहीं होता। ठीक है, एक तरह ट्रिक बनाने के लिए यूज किया है। इसके बाद में आर से रोडोकोकस, एस से स्पर्म हेड, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि स्पर्म का जो हेड होता है वो कौन से बैक्टीरिया से, नॉर्मल फ्लोरा है वो कोई डैमेज नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो स्पर्म हेड है वो भी एक तरह से एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पर। इसके बाद में लास्ट है वो टीनिया, दोस्तों ये ट्रिक याद कर लेना, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि एसिड फास्ट बैक्टीरियाज कौन से हैं। ठीक है, ट्रिकी वाले बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इन डायबिटिक पेशेंट्स इफ कीटोसिडोसिस अकर्ड बाय विज न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। देखिए डायबिटिक पेशेंट में DKA होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, वो क्यों होता है, देखिए कौन से कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें मेटाबोलाइज होता है, उसमें होता है फैट,
इस डीके क्यों होता है, जैसे डायबिटीज में क्या कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है जब ग्लूकोज प्रॉपरली नहीं होता, ग्लूकोज का प्रॉपरली नहीं होगा। एक तो जब पेशेंट क्या एक्सरसाइज करके आएगा, मान लीजिए वो एक्सरसाइज करके आया है और उसको उसने एक्सरसाइज करने से पहले, वैसे डायबिटीज वाले पेशेंट को एक्सरसाइज करने से पहले कुछ मात्रा में ग्लूकोज लेना चाहिए, उसने ग्लूकोज नहीं लिया, एक्सरसाइज की, ग्लूकोज की एकदम से कमी हो गई बॉडी में। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? वैसे तो बेसिकली अपन का जो मेटाबॉलिज्म बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से मोस्टली अपन को ग्लूकोज मिलता है। अब मान लीजिए एक्सरसाइज करके आया, उसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन हो गई। क्या हो गई? हाइपोग्लाइसीमिया। अब बॉडी क्या करेगी? फैट को मेटाबोलाइज करेगी। बॉडी क्या करेगी? फैट को मेटाबोलाइज करेगी। फैट जैसे ही मेटाबोलाइज होगी, फैट से क्या बनेगा? ग्लूकोज तो मिलेगी। फैट से क्या है? ग्लूकोज तो मिलेगा। ग्लूकोज के साथ साथ में और क्या निकलेगा? कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज भी निकलेगी। ठीक है, अब देखिए फैट जैसे मेटाबोलाइज होगी, कौन सी कंडीशन में? जब ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जिससे फैट मेटाबोलाइज होगी, अब्रप्टली सडनली हाइपरग्लाइसीमिया होगा। जिससे हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया एक को कंडीशन को लीड करता है, किसको? हाइपर डायूरेसिस को। डायूरेसिस वाली कंडीशन में होगी, उसको बार बार पेशाब भी लगेगी, जैसे ही डीके वाली कंडीशन होगी। एक और थिंग्स में देखने को मिलती है डायबिटिक के में, कौन सी? जो कार्डिनल माना जाता है क्या? कुष्माल ब्रीथिंग। अब देखिए मैंने आपको रेशनल में क्या डाला है, डीके वेन इनसुफिशियंट ग्लूकोज इन बॉडी, दैट टाइम बॉडी विल बी स्टार्ट फैट मेटाबोलिज्म फॉर एनर्जी। इन डीके आल्सो ब्रेक डाउन फैट विल अकर, दैट्स वे अब्रप्टली एंड सडनली सीरम ग्लूकोज लेवल राइज, दैट लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायूरेसिस आल्सो, एंड कीटोन बॉडीज आल्सो फॉर्मड बाई द फैट ब्रेक डाउन, एंड कुस्मॉल ब्रीथिंग आल्सो साइन ऑफ डीके ए। डीके ए, डीके ए, डीके ए याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और डायबिटीज से रिलेटेड सोमागा इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना। विच न्यूरो ट्रांसमीटर डिक्रीज इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर की कमी हो जाती है? गाबा 5-HT। मैंने सीरीज में अच्छे से सोल्व करवाया था, सिर्फ 5-HT ही लिखकर सोल्व करवाया था, मेरे स्टूडेंट को पता होगा ऑनलाइन वालों को कि 5-HT क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मैंने पूरी डिटेल डालकर बता रहा हूँ। देखिए 5-HT क्या होता है? 5-HT आल्सो कॉल्ड सेरोटोनिन, यानी कि डिप्रेशन में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर की कमी हो जाती है? सेरोटोनिन की। इट इज मोस्टली फाउंड इन जीआई ट्रैक्ट, दोस्तों सेरोटोनिन जीआई ट्रैक्ट में पाया जाता है, लिप्स में, आपके लिप्स से होते हुए, ज़्यादातर लिप्स का भी कह सकता हूँ मैं, एक तरह से ये इमोशनल बाउंडिंग को भी बाउंड करता है एक तरह से कपल्स को। ठीक है, तो जो सेरोटोनिन की बात करें तो ज़्यादातर इस जीआई ट्रैक्ट में पाया जाता है, 90% सेरोटोनिन जीआई ट्रैक्ट में पाया जाता है, जो किसिंग से रिफ्लेक्ट होता है। आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा अगर, ठीक है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि 5-HT न्यूरो ट्रांसमीटर तो बेसिकली कहाँ पर होगा? न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन्स वगैरह में होगा, लेकिन ब्रेन में सिर्फ 10% सेरोटोनिन होता है, बाकी 90% सेरोटोनिन जीआई ट्रैक्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिलिन सिक्रेटेड बाई, मोटिलिन जो हार्मोन होता है कहाँ से सिक्रेट होता है? पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मोटिलिन सिक्रेटेड बाई पेयर्स पेचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्टली फाउंड बाई ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो मोटिलिन सिक्रेट होता है कहाँ से होता है? ड्यूडेनम से। जो पेयर पेचेज होती है, पेयर पेचेज मोस्टली कहाँ पर होती है? ड्यूडेनम में होती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मोटिलिन हार्मोन, अब मोटिलिन हार्मोन के तो सिक्रेट तो पेनक्रियास से, ड्यूडेनम से हो गई, इसके फंक्शन क्या है? इट इज ऑल्सो नाउन एज द हाउस कीपर ऑफ द गट, बट इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज नोट कर लेना, हाउस कीपर ऑफ द गट कौन सा हार्मोन होता है? मोटिलिन हार्मोन। मेन फंक्शन इंप्रूव पेरिस्टाइसिस को इम्प्रूव करता है, मेंटेन गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कॉर्पस लूटियम, बिफोर यानी कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन होने से पहले कॉर्पस लूटियम विच हार्मोन सिक्रेट, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बट इस्ट्रोजन आल्सो। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम की बात करें तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? क्या काम करता है? फर्टिलाइजेशन को मेंटेन करता है, या फिर जो इंडोमेट्रियम के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट तैयार करता है, ताकि जो फर्टिलाइज जो ओवम हुआ है, फर्टिलाइज्ड ओवम आसानी से इम्प्लांट हो जाए, और एम्ब्रायोनिक पीरियड में जो हेल्प करता है किसकी? एम्ब्रायो की। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
ठीक है, जब तक, कब तक, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। और आपको पता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होता है? 8 12 वीक, 12 वीक पर कंप्लीट फॉर्मेशन होता है किसका? प्लेसेंटा का, ठीक है। तब तक कौन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, या फिर एक तरह से एम्ब्रायो को, एक कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ओलिगोहाइड्रामिनस रिलेटेड टू, ओलिगोहाइड्रामिनस किससे रिलेटेड होता है? ये होता है रिनल एजेंसी से, ठीक है, रिनल एजेंसी से रिलेटेड होता है ओलिगोहाइड्रामिनस। ओलिगोहाइड्रामिनस क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड, जिसमें एक तरह से एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स से इसको मेजर किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स AFI, इससे मेजर किया जाता है। अगर बिलो 5 टू 6 अगर इसकी जो रीडिंग हो तो इसको क्या माना जाता है? ओलिगोहाइड्रामिनियस। इसका जो AFI जो एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स की नॉर्मल नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 6 से 18, 6 से 18 इसकी नॉर्मल होती है। अब 5 टू 6, बिलो 5 टू 6 हुआ तो इसको क्या माना जाता है? ओलिगोहाइड्रामिनियस। और अबव 18 या 20 हुआ तो उसको क्या माना जाता है? पोलीहाइड्रामिनियस, ठीक है। तो ये आपको एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स देखना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ठीक है, डेल्फी टेक्निक, इट इज टेक्निक ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इतना ही मेरे को इस बारे में, मेरे को भी पता नहीं था इस क्वेश्चन का, इसका मैंने रेफरेंस लिया था। डेल्फी टेक्निक क्या होती है? इट इज द टेक्निक ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। रिसर्च के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे वैसे इसमें, वो आगे आएंगे आपके। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज कॉज्ड बाई, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से होता है। अब देखिए फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों होता है वो देख लेते हैं। बिकॉज फोलिक एसिड आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द मैच्योरेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक पीरियड और इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। देखो एम्ब्रायोनिक पीरियड की बात करें तो कितना होता है? 8 वीक तक होता है। और अगर अपन मोस्ट ऑफ जो ऑर्गन ग्रोथ करते हैं या ब्रेन डेवलपमेंट या न्यूरल ट्यूब की बात कर रहे हैं अपन, न्यूरल ट्यूब का जो विकास होता है उसका डेवलपमेंट होता है मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी को 1 मंथ पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। जब वो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हो तो 1 महीने पहले से ही उसको फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ थोरासिक वर्टिब्रा, देखिए थोरासिक वर्टिब्रा कितनी होती है? टोटल 12 होती है, 12 तो होती है अलग अलग वर्टिब्रा। टोटल वर्टिब्री की अपन बात करें तो टोटल वर्टिब्री होती है 33 होती है। 33 कौन कौन सी होती है? सर्वाइकल 7 होती है, थोरासिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सेक्रल 5 होती है और कोकिक्स 4 होती है। तो ये दोनों फ्यूज्ड होती है, ये एक एक होती है, एक ये और एक ये, ठीक है। बट कंप्लीट वर्टिब्री की अपन बात करेंगे तो 33 वर्टिब्री ही राइट आंसर जाएगा, ठीक है। इंक ब्लो टेस्ट, इट इज द पर्सनलिटी टेस्ट होता है, जो रिसर्च का क्वेश्चन है। इसके बारे में रेशनल तो आप को मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर एक्सेप्ट, सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए कन्वर्जन डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा, सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर से कैसे क्वेश्चन आएगा आया होगा मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैंने इसको मॉडिफाइड करके कुछ आपके सामने रखा है। तो इसमें से कौन सा है जो सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर नहीं होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इज द, एक तरह से इसको BPD भी बोलते हैं। BPD भी आपके कभी एग्जाम में आ सकता है। BPD क्या होता है? BPD इज द बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इट इज द मूड डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज़ द मेंटल डिसऑर्डर इन इंक्लूड ऑल ऑप्शन एक्सेप्ट बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, बिकॉज BPD इज मूड डिसऑर्डर एंड इट कंसिस्ट मैनिया एंड डिप्रेशन। थर्मोरेगुलेशन ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में थर्मोरेगुलेशन कौन सा पार्ट होता है? कौन है जो ऐसा ऑर्गन है जो थर्मोरेगुलेशन का काम करता है? वर्निक्स कैसियोसा, लेनुगो, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, रेस्पिरेशन। आंसर इसका राइट आंसर इज सी, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, बिकॉज ब्राउन एडिपोज टिश्यू और फैट प्रिवेंट न्यू बॉर्न फ्रॉम एक्सेसिव वेट लॉस। इन प्रीटर्म बेबीज हैव लेस एडिपोज टिश्यू सो दैट बेबीज मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। प्रीटर्म बेबीज में जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होते हैं इसकी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है प्रीटर्म बेबीज में, इसलिए प्रीटर्म बेबीज ज़्यादा हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। किसमें? प्रीटर्म बेबीज में। कारण उसका ये होता है कि उनमें एडिपोज टिश्यूज की मात्रा बहुत कम होती है, लेस अमाउंट ऑफ द एडिपोज टिश्यूज, दैट्स वाई प्रीटर्न बेबीज मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। सल्पोनामाइड ड्रग्स, सल्पोनामाइड ड्रग्स कौन सी होती है? देखिए इट इज बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स, बैक्टीरियो स्टेटिक होती है ये, एक्ट बाई ब्लॉकिंग द सेंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड विच इज ए विटामिन दैट हेल्प मेक DNA एंड RBC ऑफ बैक्टीरियाज।
तो क्या करती है सल्मोनेला ड्रग से, बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, डीएनए को और आरबीसी को मेचुरेशन होने से रोकती है, कैसे, फोलिक एसिड को ब्लॉक करके, एग्जाम्पल सिल्वर सल्फाडाइजिन और ट्राई मेथोरफोन। किडनी फेलियर क्लिनिकल फीचर्स, देख किडनी फेलियर के बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, बट फिर मैंने यहाँ पर आपके सामने चार पांच मोस्ट मोस्ट क्लिनिकल फीचर्स रखे हैं। एनीमिया, अब एनीमिया कैसे होगा देखिए, इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। जब किडनी फेलियर होता है एनीमिया इसलिए होता है कि जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, किडनी से सिक्रेट होता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का कारण क्या होता है, इसका वाइटल रोल क्या होता है, ये आरबीसी को मेचुरेशन करता है, ये आरबीसी को मेचुरेशन कौन कर रहा है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अब देखिए रिनल फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी हो गई, तो क्या आरबीसी प्रॉपरली मेच्योर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो आरबीसी की कमी हो जाएगी। अब आरबीसी की कमी होने को ही अपन क्या बोलते हैं, लल्ला डियर, ओ माय डियर, दिस इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, समझ में आ गया कि एनीमिया क्यों होता है रिनल फेलियर में। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपना हाइपरकैलेमिया। अब हाइपरकैलेमिया क्यों होता है, हाइपरकैलेमिया क्यों होता है, क्योंकि रिनल फेलियर वाली कंडीशन में क्या होता है, पोटेशियम आयन का एक्सक्रेशन नहीं हो पाता, पोटेशियम आयन का और हाइड्रोजन आयन का जो एक तरह से एक्सचेंज होता है एक तरह से कंपेंसेट करने के लिए, तो ब्लड में क्या होता है पोटेशियम की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या लीड करता है वो हाइपर कैलेमिया। ठीक है, ये भी समझ में आता है। दूसरा पॉइंट है हाइपोकैल्सीमिया, तीसरा पॉइंट अपना हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया को क्यों होता है देखिए, रिनल फेलियर में हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, हाइपोकैल्सीमिया इसलिए होता है कि विटामिन डी का कहीं ना कहीं से संबंध, एक तो देखिए ये कहाँ से बन रहा है, सनलाइट से बनता है, बट बॉडी में भी कहीं ना कहीं से जाकर इसका रिलेशन है, जो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो इसका रिलेशन कहाँ से मिलेगा, रिनल से मिलेगा, यानी किडनी से इसका कहीं ना कहीं संबंध मिलेगा विटामिन डी का। जब विटामिन डी का फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पर डिटेरियोरेट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, विटामिन डी का जब फॉर्मेशन अफेक्ट हो रहा है, तो विटामिन डी की वजह से क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज़ द नेसेसरी विटामिन, ये विटामिन डी नेसेसरी है किसके, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। जब कैल्शियम का विटामिन डी को फॉर्मेशन या विटामिन डी अफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, दिस लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, एक समझ में आता है। इसके बाद में तीसरा अपना, चौथा है अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करूँ तो मैं देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक्सक्रेट नहीं हो पाते, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का कोई कई सारा, ये पूरी बहुत बड़ा डिटेल हो जाता है एसिड बेस बैलेंस का, तो वो एक्सक्यूशन में पॉसिबल नहीं है। साफ साफ बता दूँ मैं, हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में डिक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी इसमें डिक्रीज हो जाती है। यूरेमिया, यूरेमिया क्या होता है, जैसे ही प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, जैसे जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड से क्या होगा, अमोनिया बनेगा, अमोनिया को लीवर में, लीवर किस में कनेक्ट करेगा, यूरिया में। ठीक है, अब यूरिया कहाँ से एक्सक्रेट होगा, यूरिया एक्सक्रेट होगा किडनी के थ्रू बाय यूरिन, जबकि किडनी तो फेलियर हो चुकी है तो यूरिया एक्सक्रेट नहीं हो पा रहा, यूरिया बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, यूरेमिया। ठीक है डियर, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से पूरे किडनी के क्लिनिकल फीचर्स। वेयर इज लोकेटेड गोल गुंबज कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है ये, यह बीजापुर कर्नाटका। 128 वाइट इज इक्वल टू हाउ मनी निबल्स, 32 निबल्स के इक्वल होती है, 5 वाइट इन बाइनरी नंबर, 101 नंबर होती है। हाउ टू डार्क सेंटेंस और लाइन, जो लैपटॉप कंप्यूटर में अपन काम करते हैं उसको डार्क किस कौन सी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, ओ एस सी ई फुल फॉर्म, ओ एस सी ई फुल फॉर्म क्या, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है भी। डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड नर्सिंग ऑडिट, रिसर्च ऑडिट एंड नर्सिंग ऑडिट में क्या डिफरेंट है, नर्सिंग ऑडिट क्या होती है, इट इज़ द डिटेल्ड रिव्यू, देखिए ये डिफरेंट है, नर्सिंग ऑडिट क्या है, इट इज़ द डिटेल्ड रिव्यू, इट इज़ द डिटेल्ड रिव्यू एंड इवोल्यूशन ऑफ सिलेक्टेड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, डिटेल्ड रिव्यू प्लस इवोल्यूशन ऑफ सिलेक्टेड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स इज द नर्सिंग ऑडिट। एंड रिसर्च ऑडिट क्या है, रिसर्च इट इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग, कुछ नया फाइंड करने के लिए, आउट वेदर यू आर डूइंग, जहाँ पर आपको सीख रहे हो, एंड वाट यू शुड बी डूइंग, और आप क्या सीखने वाले हो, तो आपको एक तरह से रिसर्च में, रिसर्च ऑडिट में क्या कुछ नई चीज़ सीखने के लिए आप जो ऑडिट करते हो
दिस इज द इट इज़ द रिसर्च ऑडिट एंड नर्सिंग ऑडिट क्या है, इट इज़ द डिटेल्ड रिव्यू एंड इवोल्यूशन ऑफ द सिलेक्टेड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसके बाद में एक्सपायर्ड इन साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन डिस्कार्डेड बाई विच मेथड, किस कौन से में जाएगा, येलो बैग में, ठीक है। विच ड्रग्स कैन कोज डिक्रीज्ड, विच ड्रग्स कैन कोज डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कौन सी ड्रग्स से डिक्रीज करती, देख के ऑप्शन में क्या था मेरे को पता नहीं है, बट फिर भी मैंने ओपियोड रखा है क्योंकि ओपियोड जो ड्रग्स होती है लाइकेज मोरफिन एंड फेंटानाइल, ये जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डिक्रीज करती है, यानी कि क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन करती है ड्रग्स से। ओमेगा थ्री फैटी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था मेरे को आइडिया नहीं है, फिर भी मैंने इसका केमिकल नाम रख दिया, एल्फा लाइनोलिक एसिड को ALA को ओमेगा थ्री एसिड बोला जाता है। व्हाट इज द सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, देखिए इन द नर्वस सिस्टम ए सिनेप्स इज ए स्ट्रक्चरल दैट परमिट ए न्यूरोन और नर्व सेल टू पास एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल टू अनदर न्यूरोन और इन, देखिए मान लीजिए ये नर्व सेल है, एक इधर का नर्व सेल आ गया, जो इन दोनों के बीच में जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, सिग्नल्स का, कौन से सिग्नल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, जो इन दोनों यहाँ से जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसको ही क्या बोलते हैं, सिनेप्स। मैनेजमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, देखिए मैनेजमेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर राइट माना जाता है, तो यहाँ पर कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैंने सिर्फ इसका क्वेश्चन रखा। विच मेडिसिन कंटिन्यूस इन प्रेगनेंट लेडी थायराइड पेशेंट, कोई मेडिसिन का नाम नहीं आया तो मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं रखा इसमें, ये कुछ सीरीज दी थी, सीरीज मेरे को समझ नहीं आई, मेरे को लग रहा कुछ ना कुछ इसमें डाउट है, ये सीरीज इनकम्प्लीट सीरीज है इसलिए इसका राइट आंसर भी नहीं आ रहा, तो इस सीरीज का भी आंसर नहीं दे पाया। इसके बाद गाबा न्यूरोट्रांसमीटर से कुछ क्वेश्चन आया था, तो देखिए गाबा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, गाबा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, इट इज़ हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टू द टारगेट ऑर्गन, क्या करता है ये, हेल्प करता है नर्व ट्रांसमिशन को जो ट्रांसमिट करने में। इट इज़ आल्सो मेंटेन एंजाइटी लेवल ऑफ द ब्रेन, देखिए एंजाइटी लेवल को मेंटेन करता है, जिससे ही गाबा का लेवल घटता है, जिससे ही गाबा का लेवल घटता है क्या होता है, एंजाइटी होती है, उल्टा है, जैसे गाबा का लेवल घटता है एंजाइटी होती है, ठीक है, जैसे ही गाबा का लेवल, इसका लेवल बढ़ेगा क्या होगा, एंजाइटी कम होती है, ठीक है। यूजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ह्यूमन रेस। फंक्शन ऑफ पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन पूछे हैं यहाँ पर, तो वो फंक्शन की बात करें, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों एक तरह से अपोजिट चलते हैं, जब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तब सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, जब सिंपेथेटिक काम करता है तब पैरासिम्पेथेटिक काम नहीं करता। पैरासिम्पेथेटिक नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है, जब एकदम रिलैक्स बॉडी रिलैक्स वाली कंडीशन होती है तब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जब बॉडी स्ट्रेस वाली कंडीशन में हो तब सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। यहां पर बात करेंगे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें पर बात करेंगे, देखिए पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन की बात करें, इंक्रीज ऑल बॉडी सिक्रेशन एक्सेप्ट स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड के सिक्रेशन कौन सी कंडीशन बढ़ते हैं, स्ट्रेस वाले में, यानी कि कौन से नर्वस सिस्टम के इफेक्ट की वजह से, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से स्वीट ग्लैंड के सिक्रेशन बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ऑल बॉडी सिक्रेशन आर इंक्रीज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, लाइक एज पेनक्रेटिक सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, गोल ब्लेडर से मान लीजिए गोल जो बाइल का सिक्रेशन हुआ, या फिर अदर इंटेस्टाइनल जूसेज का सिक्रेशन हुआ, या फिर अदर बॉडी पार्ट सिक्रेशन, मान लीजिए वेजाइनल सिक्रेशन, जो वेजाइना में सिक्रेशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन वेजोडाइलेशन एक्सेप्टेड कोरोनरी आर्टरी, वेजोडाइलेशन होता है किसकी वजह से, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, एक्सेप्ट कोरोनरी आर्टरीज का वेजोडाइलेशन होता है कब, स्ट्रेस वाली कंडीशन में, जब सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब कोरोनरी आर्टरीज का वेजोडाइलेशन होता है। उसका कारण यह होता है, जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, जब सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तब हार्ट ज़्यादा पंप करता है ब्लड, जब हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है नहीं बढ़ जाती है सिंपेथेटिक वाली कंडीशन में, तो जब हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है तो हार्ट को भी तो ज़्यादा ब्लड की जरूरत होगी, अब हार्ट को ज़्यादा ब्लड की आपूर्ति कहाँ से होगी, जब कोरोनरी आर्टरीज डायलेट होगी, कब, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में। तो एक ये एक तरह से अपवाद है, अपवाद नहीं, एक तरह से जब सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब कोरोनरी आर्टरीज डायलेट होती है फॉर मोर ब्लड पंप टू द टूवर्ड द हार्ट, ठीक है।
तो देखिए पैरासिंपेथेटिक की बात करने पर तो वेजो डायलेशन होता है पैरासिंपेथेटिक में सभी ब्लड वेसल्स का एक्सेप्ट कोरोनरी आर्टरीज का। कंस्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल कंस्ट्रिक्ट होती है और डायलेट किस में होती है, ब्रोंक्यूल सिंपेथेटिक में। अपोजिट बताया था मैंने पहले भी, कंस्ट्रिक्ट पिप्यूल्स, पिप्यूल कंस्ट्रिक्ट होती है और उसमें डायलेट होती है सिंपेथेटिक में, ठीक है। ये चार पांच मैंने फंक्शन आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए प्रेग्नेंट वुमेन कम इन गायनिक ओपीडी सीज पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी यूपीटी पॉजिटिव है, एससीजी हार्मोन से जो ओपन करते हैं, क्योंकि यूपीटी जो प्रेगनेंट यूरिन का जो टेस्ट करते हैं, वो जो यूरिन का टेस्ट करते हैं किसको डिटेक्ट करते हैं, उसमें डिटेक्ट करते हैं एससीजी हार्मोन को ही डिटेक्ट करके फाइंडिंग आइडेंटिफाई किया जाता है कि सी इज द प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। सी डज नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यूस प्रेगनेंसी, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर हाउ टू ट्रीट टू दिस प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए क्वेश्चन ऐसा है बट इसके मेरे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं आया, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही आपके सामने यहाँ पर रखा है, ठीक है। व्हाट इज रोरसच टेस्ट, इट इज़ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, रोरसच टेस्ट इट इज़ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। मोटिवेशनल एंड हाइजीन थ्योरी गिवन बाई हर्जबर्ग, मोटिवेशनल एंड हाइजीन थ्योरी गिवन बाई हर्जबर्ग, ठीक है। कंप्यूटर शॉर्टकट की बोल्ट ये कंट्रोल बी, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। ए पेशेंट ऑपरेटेड एन ओबडोमिनल एब्डोमिनल सर्जरी लास्ट 5 डेज अगो, ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज डॉक्टर व्हाट विल प्रेस्क्राइब फॉर वुंड हीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ए पेशेंट ऑपरेटेड, एक पेशेंट जिसका ऑपरेशन हुआ है 5 दिन पहले और उसका ओपन वुंड है जो एब्डोमिन में है, तो उसको हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करेगा, विटामिन सी, एंटीबायोटिक, प्रोटीन पाउडर, प्री एंड प्रोबायोटिक। तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा ए, ए आंसर इज द राइट आंसर, यानी कि विटामिन ए। अब दे विटामिन ए क्यों प्रिस्क्राइब करेगा, ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। विटामिन सी इज द वर्क एज कैटेलाइज्ड इन वुंड हीलिंग, इट फेसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। देखिए विटामिन के क्या करता है, वुंड हीलिंग को इम्प्रूव करता है, कैटेलाइट का काम करता है, फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है, कोलेजन फॉर्मेशन को। कोलेजन किसके लिए जरूरी है, ग्रेनुलेशन टिश्यू के लिए। ग्रेनुलेशन टिश्यू इज द हेल्दी टिश्यू ऑफ द वुंड, यानी कि मान लीजिए जो पिंक रेड कलर के जो आपको मार्जिन पर वुंड पर जो एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जब आपका भी वुंड हो जाए तो आप नोटिस करना, वुंड के चारों तरफ एक बीच के जो इनर सेंटर में तो आपको वाइट मवाद, वाइट पस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो तो क्या एग्जुडेट है। जब उसके मार्जिन पर आपको पिंक पिंक कलर का सा जो मार्जिन दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड वुंड आर गोइंग टू इम्प्रूविंग, वुंड आर गोइंग टू हीलिंग, ठीक है। इसका मतलब वुंड प्रॉपरली हील कर रहा है, उसके लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है ग्रेनुलेशन टिश्यू को मेच्योर करने के लिए, कोलेजन एसेंशियल है, और कोलेजन को मेच्योर करने, कोलेजन को सिंथेसिस के लिए कौन क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सट्रोपियो ब्लेडर, एक्सट्रोपियो ब्लेडर की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रिनल डैमेज, हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये तीनों कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इससे क्या क्वेश्चन था मेरे को पता नहीं एक्सट्रोपियो ब्लेडर का, बट फिर भी मैंने ये आपको कॉम्प्लिकेशन दिया। फोलिक एसिड, इट इज द फोलेट, फोलिक एसिड को क्या बोला जाता है, फोलेट, विटामिन B9, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है, B9, B12, B6, B5 ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो फोलिक एसिड इज द विटामिन B9, इट इज द आल्सो कॉल्ड फोलेट। सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड एट प्राइमरी ग्रुप, देखिए प्राइमरी ग्रुप किसको माना जाता है, फैमिली को, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर फैमिली माना, फैमिली बिकॉज फैमिली इज द प्राइमरी ग्रुप। बाकी क्वेश्चन कैसे आया था मेरे को आइडिया नहीं है, जैसे क्वेश्चन आया मैंने वैसे ही इसका आंसर रखा है। ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चन आया था, इंक ब्लॉट टेस्ट से कुछ क्वेश्चन था, एपिडेमिक ड्रॉपसी, एपिडेमिक ड्रॉपसी क्या होती है, देखिए आपने ये गाँव में ये पौधा देखा होगा जिसको कंटीला नाम से भी जानते हैं, कंटीला, इसको जब सरसों में, इसको जब मस्टर्ड में, MUSTURED, मस्टर्ड में जब इसको मिला दिया जाता है, क्या नाम इसका, आर्जिमोन मैक्सिकाना, इस आर्जिमोन मैक्सिकाना को जब सरसों में मिला दिया जाता है तब क्या होता है, एपिडेमिक ड्रॉपसी, तब कौन सी डिजीज होती है, एपिडेमिक ड्रॉपसी। एपिडेमिक ड्रॉपसी क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एडिमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। वॉट इज लिप, लिप क्या होता है, लूप इलेक्ट्रिकल एक्सीजन प्रोसीजर, इट इज यूज इन सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, ठीक है। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन विच डील विथ डिजीज, कोर एलिमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, कोर एलिमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, पब्लिक हेल्थ का। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू इंसर्ट डिजाइन व्यू थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड। मीन मोड मीडियन कर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना मैनिफेस्टेड बाई एसिडो प्लस
लैक्टोबैसिलस एसिडोपिलस दो नॉर्मल फ्लोरा होता है जो वेजाइना में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। वो वेजाइना को या बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, एक तरह से वो नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा अपनी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वेजाइना हो, चाहे गट हो, इंटेस्टाइन हो, चाहे अदर कहीं पर जगह हो, चाहे स्किन हो, इवन स्किन स्किन में अपने नोज के ऊपर भी है जो स्टेपाइलोकोकस बैक्टीरिया पाया जाता है, जबकि वो नुकसान नहीं पहुंचाता। एक तरह से ये बैक्टीरिया कह सकते हैं कि इनकी पैथोजेनिसिटी खो चुके होते हैं, या मैं नहीं कह सकता कि पैथोजेनिसिटी खो चुके होते हैं, बट ये नुकसान नहीं पहुंचाते बॉडी को, अपन को ये ध्यान रखना है। एसिमिलेशन क्या होता है? देख, एसिमिलेशन दो तरीके से अपने को समझें। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग एंड फुली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, इट इज द कॉल्ड ऑफ एसिमिलेशन। कुछ अपन बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत को अगर अपन अच्छे से समझ जाएं तो वो क्या होगा? एसिमिलेशन। अब दूसरे वे में, अपने मेडिकल वे में अपन इसकी बात करें तो क्या है? द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ द फूड और न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी, इट इज द कॉल्ड एसिमिलेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। लीडरशिप स्टाइल, देखिए लीडरशिप स्टाइल का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, चार पांच लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, लेजीज फेयर और चार पांच लीडरशिप स्टाइल का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब में हमारी सर्च करके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में एक दो लीडरशिप स्टाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में CSF राइनोरिया टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आया था। बीटा टू ट्रांसफेरिन होता है, बीटा टू ट्रांसफेरिन क्या होता है? इट इज़ द प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो मोस्टली CSF में ही पाई जाती है। CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड में ही ये प्रोटीन होती है, बीटा टू ट्रांसफेरिन। इसीलिए जो इसका टेस्ट किया जाता है, जब नोज से रनिंग नोज हो रहा हो आफ्टर हेड इंजरी, नोज से क्लियर वाटर लाइक फ्लूड बह रहा हो, तो उस वाटर लाइक फ्लूड का टेस्ट किया जाता है कि उसमें बीटा टू ट्रांसफेरिन ये प्रोटीन तो नहीं है। अगर ये प्रोटीन उसमें मिल गई, उस नोज से आ रही उस सिक्रेशन में, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? दिस इज द CSF, इट इज द कमिंग फ्रॉम ब्रेन कैविटी, ठीक है। तो इसके बाद में साउथ अफ्रीकन कंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। रीजनिंग इमेज से क्वेश्चन आया था। एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, एलिमेंट बहुत सारे होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। एलिमेंट की बात करें तो इम्यूनाइजेशन हो गया, यानी कि ऐसे कौन से टॉपिक है, ऐसे कौन कौन से फील्ड है प्राइमरी हेल्थ केयर के जहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, तो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, MCS यानी मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हो गई, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज हो गया, ट्रीटमेंट एंड माइनर ऑफ माइनर डिजीज हो गया, एडुकेट सेफ वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ हो गया, एडुकेट न्यूट्रिशन हो गया, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स हो गया। तो ये पूरे क्या है? एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो क्या है? प्रिंसिपल, पांच प्रिंसिपल है, आपको याद होंगे तो देख लेना एक बार। मेरे को भी देखो दो चार तो भी याद है, जैसे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड तीन तो हो गए, दो और बचे हुए हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, चार और एक और है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, आप देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, याद कर लेना पांचों। जैसे ऐसे क्वेश्चन आया है ना, ये एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा अगली बार, एलिमेंट ऑफ सॉरी प्रिंसिपल, या एलिमेंट इधर आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, इसलिए पांचों प्रिंसिपल याद कर लेना अच्छे से। क्वालिटेटिव रिसर्च से कुछ क्वेश्चन था। वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस ऑफ 2019 अबू धाबी में हुआ था। इसके बाद में डीएनए प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की अपन बात करें तो देखिए जजमेंटल क्वेश्चन, अगर आप जजमेंटल क्वेश्चन कर रहे हो पेशेंट के साथ तो दिस इज द आल्सो नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो या क्लोज इंडेड क्वेश्चन कर रहे हो या हॉस्टाइल टेक्निक एटीट्यूड दिखा रहे हो, गुस्से में बात कर रहे हो या फॉल्स एश्योरेंस दे रहे हो, उसको झूठा विश्वास दे रहे हो, या फिर आस्किंग वाई वाई लाइक दैट क्वेश्चन अगर उसे पूछ रहे हो पेशेंट से, या फिर डिफेंसिव रेस्पॉन्स, डिफेंस हो रहे हो, उसको मारपीट कर रहे हो, या गिविंग एडवाइस दे रहे हो, देखिए एडवाइस देना भी नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आता है, या फिर चैलेंज कर रहे हो पेशेंट को, चैलेंज दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें थिंग्स किस में आती है? नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में। रेजिलेंस, रेजिलेंस क्या होती है? द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, यानी एक तरह से क्राइसिस वाली कंडीशन से क्विकली रिकवर करना ही रेजिलेंस कहलाता है, ठीक है। आज का वीडियो 1 घंटा और 10 मिनट का हो गया है, मैंने आपको समझाने की मेरे विवेक से, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग पूरी पूरी कोशिश की है। आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे को एक तरह से
मोटिवेट करें, क्योंकि आपके कमेंट में सबके कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाता, बट मैं देखता सबके कमेंट हूँ। तो एक बार मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर मेरे को कुछ और इम्प्रूव करना है तो आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट करके कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अंडरस्टैंड स्टूडेंट लैंग्वेज में समझाने की, फिर भी अगर कुछ आपको कमीज़ लगती है तो मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं और मैं आपको देखे इंपॉर्टेंट थिंग और बताने वाला हूँ इस वीडियो में लास्ट में। इन थिंग्स के लिए आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्किल टेस्ट मटेरियल हमारे पास है, CHO बूस्टर स्टडी मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाएगा। और सभी एग्जाम की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विथ PDF विथ रेशनल, जो आपने इस वीडियो में देखा होगा। इस वीडियो में मैं कैसे रेशनल दे रहा हूँ आपको, ठीक इसी तरह हमारी ऑनलाइन सीरीज जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन का मैं और भी अच्छे से रेशनल देता हूँ, जो आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करवाता हूँ, ऑनलाइन जैसे एग्जाम होता है CBT की तरह वो भी करवाता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकता है इसके लिए, ये हमारी कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, मैंने आपको ये पेपर पूरा सॉल्व करने की कोशिश की, और इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ अलग हो सकते हैं, तो उसको आप अपने विवेक के अनुसार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, मैंने एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका मिशन आई नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आपके आने वाले यानी कि कल PGI चंडीगढ़ के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले सभी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए भी मिशन हाई नर्सिंग क्लास की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त ML सैनी नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज़।